खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर शाहजहांपुर पुलिस ने अंतरजनपदीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से भारी मात्रा में चोरी का सामान, कैश और तमचा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि यह गिरोह लखनऊ, बरेली, सीतापुर के साथ साथ एक दर्जन शहरों में डकैती, चोरी, लूट की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला थाना मदनापुर इलाके का, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 अंतरजनपदीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। कादम, सरवाज, सरताज, यह 3 नाम के शातिर अपराधी पंखिया गिरोह के सदस्य हैं, जो थाना मदनापुर इलाके के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि एक दर्जन शहरों में यह गैंग डकैती, लूट, चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इन शातिरों की लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर के साथ साथ एक दर्जन शहरों में केस दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। किन किन जनपदों में ये अभी तक कार्रवाई कर मतलब एक घटना को अंजाम दे चुके हैं? इसमें जो मुख्य रूप है कादम अली, ये गाजियाबाद, अमरोहा, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, इन जनपदों में भी इस पर डकैती के मुकदमे पंजीकृत हैं। शाहजहांपुर के भी 2-3 थानों में इसका आपराधिक इतिहास है। सब एक शातिर अपराधी पकड़े गए थाना मदनापुर क्षेत्र में, किस तरीके से इनको सुरागासी करके इनको गिरफ्तार किया गया है और किस तरीके से आपराधिक रिकॉर्ड है इनके? दिनांक 19/10 की रात में एक रिटायर्ड डीएसपी श्री बाबूराम भारती जी के खेतों से एक खेती करने का उपकरण होता है डिस्क राइडर, वो चोरों द्वारा चुरा लिया गया था, जिसकी FIR उनके द्वारा की गई थी। उसी की बरामदगी के लिए पुलिस टीम सर्च और तलाशी अभियान चला रही थी। गुलेला खेड़ा चौराहे के पास से संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान ये वाहन रात में रोकने पर नहीं रुका, तो इसका पीछा किया गया, तो इसमें से 3 व्यक्ति संदिग्ध जो प्रतीत हो रहे थे उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, तो उसी छोटा हाथी में डिस्क राइडर बरामद हुआ। पूछताछ करने पर ये बहुत शातिर किस्म के अभियुक्त निकले हैं। इसमें जो मेन है कादम अली सनाफ जाने आलम, ये पंखाखेड़ा गांव का रहने वाला है जो थाना मदनापुर में आता है। इसके ऊपर डकैती के 7-8, हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट, शराब के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। दूसरा जो सहबाज है इसका भी आपराधिक रिकॉर्ड है, इसके खिलाफ भी 5-6 मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं। और जो तीसरा है सहबाज मखदूम, इसके खिलाफ भी 1 आपराधिक मुकदमा दर्ज है। जब इनसे और कड़ाई से पूछताछ की गई तो इन्होंने निगोही थाना क्षेत्र में करीब 3 महीने पहले हुई एक बैंक में नकब लगा के रुपए चोरी करने की घटना और गांव ढकिया तिवारी में एक सोलर पैनल चुराने की घटना को उन्होंने स्वीकार किया है। निशानदेही पे सोलर पैनल और 12,000 रुपये की बरामदगी हुई है। इनके पास से गलत तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 चाकू बरामद किया गया है, 1 छोटा हाथी है, डिस्क राइडर है। ये अच्छे किस्म के बदमाश थे जो पुलिस के चंगुल में आए। वैसे भी अंतर